नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है, 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आपके यहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश हुई या नहीं बताइएगा जरूर। और इस बारिश के मौसम में हम आज बना रहे हैं प्याज के पराठे। तो प्याज के पराठे बना रहे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं प्याज के पराठे। प्याज के पराठे बनाने के लिए हमने बारीक प्याज काट लिए हैं, ये मैंने 3 बड़े प्याज काटे हैं और ये एक टमाटर और ये लहसुन है बारीक कटा हुआ काट लिया है। तो ये गेहूं का आटा छान लिया है मैंने, गेहूं का आटा छान लिया है, अभी इसको गूंदेंगे। आटे के अंदर हम डालेंगे नमक, जितना रोटी बनाते हैं उस टाइम डालते हैं उतना ही नमक डालेंगे। और डालेंगे अजवाइन, इतनी अजवाइन ली है मैंने, इसको इस तरीके से प्रेस करके डालेंगे। और इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी कटोरी दही, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंद लेंगे। ये हमने आटा गूंद लिया है, अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और आटा को इस तरीके से हम एकदम चिकना करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। हम 2 प्लेट लेंगे। ये हमारा आटा तैयार है। स्टफिंग बनने के लिए हम तैयार कर लेते हैं ये प्याज और ये टमाटर और लहसुन। अभी इसमें हम डालेंगे मसाले, 1 चम्मच मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं और आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टफिंग तैयार कर ली हमने, आटा तैयार कर लिया है, स्टफिंग भी तैयार कर ली है। तो अभी इसको ऑन कर देते हैं और तो गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तब तक हम पराठा बनाते हैं। अभी ये पराठा बनाते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं उतना आटा ले लेते हैं, लोइया बना लेते हैं और उसकी रोटी बेल लेंगे। भूख लग गई है?
ये रोटी बेल ली है, अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। अब इसमें ये स्टफिंग भर देंगे। और इस तरीके से इसको पैक कर देंगे। मोदक बनावे तुम? मोदक कौन बनाऊं, परांठा बनाऊं? और अभी सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। ये पराठा बन चुका है और यहाँ पे तो भी गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे घी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देखिए, प्याज का पराठा बनकर तैयार है। तो ये मैंने एक और बना लिया है, ये डाल देते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रही है दोनों? क्या आपके भी बच्चे इस तरीके से करते हैं? जब मैं रोटी बनाती हूँ तो साथ में बना रही है। पराठे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दो परांठा बन गए, अब बस करो, अब आप खा लो। पराठे बन चुके हैं, आप खा लो, बस करो। इतने ही बनाओ। ये वंदना और कल्पना के ये दही पराठे तैयार हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, इतनी ज्यादा खुश हो रही है, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये भी नाच रही है पराठे खाकर।
मैंने दाल पूछा भी नहीं, अपने आप ही बता रही हैं। घी में बना रही हूँ मैं पराठे, तेल में नहीं बना रही हूँ, घी लगा के बना रही हूँ। घी के पराठे और भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज का वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।